तीसरी प्रखंड क्षेत्र के सभी थानों के नए प्रभारियों ने लिया पदभार। तीसरी थाना में किया गया विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन। तीसरी प्रखंड क्षेत्र के सभी थानों व ओपी में शुक्रवार को नए थाना प्रभारियों ने पदभार ग्रहण कर लिया। तीसरी थाने में नए प्रभारी के रूप में प्रदीप कुमार, लोकायत थाने में नागेंद्र कुमार, मनसा डीओपी में अभिषेक कुमार रंजन और थानसिंह डीओपी में उदित बेदिया ने पदभार ग्रहण किया है। वहीं तीसरी थाने में विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरी थाना प्रभारी के रूप में बीते दो वर्षों से अपना अमूल्य योगदान दे चुके पीकू प्रसाद को प्रबुद्ध जनों ने विदाई के साथ साथ धनवार के नए थाना प्रभारी बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही तीसरी के नए थाना प्रभारी प्रदीप कुमार का भूखे देकर स्वागत किया। मौके पर तीसरी के निवर्तमान थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से तीसरी थाने में दो वर्षों का कार्यकाल बहुत अच्छा बीता। कहा कि किसी भी क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों का सहयोग बहुत ही जरूरी होता है। उम्मीद है कि यहां के स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि और पुलिस का समन्वय बना रहे। वहीं नए थाना प्रभारी के रूप में प्रभार लिए प्रदीप कुमार ने कहा कि थाना क्षेत्र में अमन और शांति लाने का प्रयास रहेगा। किसी भी प्रकार के अपराध, खासकर महिलाओं व बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों को रोकना पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही कहा कि जनता की सेवा के लिए पुलिस 24 घंटे उपलब्ध है। किन्हीं को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे बेहिचक उनसे मिले। क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य चलने नहीं दिया जाएगा। मौके पर विधायक प्रतिनिधि राजेश राम, पूरन चंद गुप्ता, क्षितिज कुमार, पलमरुआ मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तकीम सहित कई लोग और पुलिसकर्मी उपस्थित थे। प्रदीप सर, हमारे जो है मित्र मनीष बिहारी, हमारे सभी सहकर्मी, विधायक प्रतिनिधि, पत्रकार बंधुगण, हमारे साथ काम किए हुए सभी संजय जी, मुंडा जी, दावत वाला जी और हमारे कुछ उपस्थित सभी जो है हमारे क्षेत्र के हमारे प्यारे जनता लोग, आज हमारे जो है नया थाना प्रभारी सर का जो है हम तीसरी थाना में का हार्दिक स्वागत करते हैं। और सर के साथ जो है पहले हम लोग कुछ काम किए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सर जो है इससे पहले भी बेगाबाद थाना में प्रभारी के रूप में रह चुके हैं, संभा में प्रभारी के रूप में रह चुके हैं और बहुत अच्छे हैं और कार्य भी जो है इनका आपको बहुत पसंद आएगा। दूसरा कि हम यहाँ पे जो लगभग दो साल लगभग समय बिताए, आप लोग सभी का बहुत सहयोग मिला, इसके कारण जो है हम दो साल तक यहाँ रहे और अपना कार्य का निर्वहन किए। इसी उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है थाना का इसी प्रकार से सहयोग करते रहिएगा, ताकि जो है समाज से जो है कुछ बुराइयों को और कुछ असामाजिक तत्वों को जो है कम किया जा सके। पुलिस प्रशासन और पब्लिक के बीच में जो सहयोग और समन्वय रहता है, उसके कारण ही जो है हम लोग समाज में शांति और जो है अपराध में नियंत्रण ला सकते हैं। तो सबसे यही मेरा अनुरोध है कि नए थाना प्रभारी सर का भी आप लोग वैसा ही सहयोग करें जैसा मेरा सहयोग किए हैं। और इसी शब्दों के साथ जो है अब तीसरी थाना से हम जो है अब विदाई लेते हैं। हमारे तत्कालीन थाना प्रभारी पीकू जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि जी, पत्रकार बंधुगण, जनप्रतिनिधिगण एवं क्षेत्र के तमाम जनता, थाने के सहकर्मी, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पीकू जी इस थाने से प्रमोशन लेकर के धनबाद थाना प्रभारी बने, सबसे पहले उनको बहुत शुभकामनाएं। पीकू जी ने यहाँ करीब करीब 2.5 साल यहाँ पर गुजारे हैं तीसरी थाना में, और मैं इनको इतना बेहतरीन काम किया है इन्होंने कि मतलब साहब भी बहुत अच्छे खुश हैं, इनको पूरे जिला खुश है, तीसरी थाना के क्षेत्र भी खुश हैं कि अच्छे से इन्होंने अपने कार्य का निर्वहन किया है। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इन्हीं के जो काम छोड़ के गए हैं इनके काम को हम आगे बढ़ाएं, जब भी आवश्यकता हो कि हम इनसे मार्गदर्शन लेंगे और वरीय पदाधिकारी के सहयोग से, आपके सहयोग से थाना क्षेत्र में हम शांति अमल लाने का प्रयास करें।